पहले गंगा एक्शन प्लान के कई चरण, अब नमामि गंगे। नमामि गंगे का 24,000 करोड़ का बजट, 2,000 करोड़ खर्च के बाद भी बात ढाक के तीन पात जैसी। वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान का असर कहिए या केंद्र की सक्रियता, घाटों पर सफाई और उनकी स्थिति में सुधार दिखाई देता है, लेकिन शहरी सीवेज का गंगा में गिरना अब भी जारी है। जो 16 करोड़ लीटर 2014 में सीवर का पानी गिर रहा था, आज करीब करीब 20 करोड़ लीटर पानी बह रहे हैं। गंगा में स्नानार्थियों की संख्या 40% घट गई। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, पहले उन स्नान भी करते थे और दान भी करते थे, अब जो यात्री आ रहे हैं वो गंगा का पानी देख के प्रणाम करके चले जा रहे हैं, क्योंकि गंगा का पानी एकदम काला हो चुका है। अकेले वाराणसी में तकरीबन दर्जन भर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन कई प्लांट बंद हैं, कई खराब हैं, कुछ क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इसके चलते गंगा में नालों का गंदा पानी गिरना जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये चरम पर हो चुका है। 214 के बाद से ही यहाँ पर हमारे खुद अपने घर के बगल से ही कई सारे नाले निकले हुए हैं, जो गंगा में रोजाना धारा प्रवाह गिर रहे हैं, और इस तरह से पूरे बनारस में न जाने कितने नाले जो है और अधिक बढ़ गए हैं, इसका अनुमान लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन है। देखिए, परिवर्तन के नाम पे तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि गंगा में कुछ हुआ है, और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि आप इन चीज़ों को नज़ारा देख करके कह भी सकते हैं कि भी परिवर्तन और गंगा सफाई के नाम पे बनारस में कुछ भी नहीं हुआ जमीनी हकीकत पे। कहानी का सार ये कि निर्मल गंगा अभियान का असर अभी तक गंगा में ज्यादा नजर नहीं आता। समय के लिए वाराणसी से निमेश राय।